एके पाठक के वायरल वीडियो पर सख्त रवैया अपनाते हुए बीजेपी एमएलसी संजय मयूख ने कहा कि एक अधिकारी बेलगाम हो गया और शिक्षकों को सरेआम गाली दे रहा है और सरकार को कुछ पता नहीं। ऐसे अधिकारी कतई बर्दाश्त नहीं है, वैसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। शिक्षकों का अपमान सही नहीं है। इसलिए सवाल उठाया कि हम शिक्षक से पढ़े हैं, हम शिक्षक माता पिता से जन्मे हैं, मेरा पूरा परिवार आहत है इस विषय से कि एक आला अधिकारी, बिहार सरकार का आला अधिकारी, जिसके बारे में सरकार को कोई जानकारी नहीं है कि किसने कहा, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में पूरी तरह से माननीय सदस्य संजीव सिंह जी ने, माननीय सदस्य सैयद शाहनवाज हुसैन साहब ने, माननीय सदस्य राजेंद्र गुप्ता, पूरा सदन सेम कर रहा था इस विषय पर। लेकिन एक आला अधिकारी ऐसा तानाशाह हो गया है कि पूरे सदस्यों को अपमानित कर रहा है, पूरे प्रदेश के शिक्षकों को अपमानित करने का काम किया है। उसका वीडियो फुटेज भी हम लोगों ने सदन में प्रस्तुत किया है कि ऐसे पदाधिकारी पर कार्रवाई होनी चाहिए। आगे बढ़ते खबरों में, प्रयागराज माघ मेला क्षेत्र में युवा चेतना एक महीने से सेवा का काम कर रहा है और बिहार से लेकर देश भर के श्रद्धालुओं के बीच युवा चेतना लोगों की मदद कर रहा है। युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह का कहना है कि संत और गरीब वर्ग के लोगों के बीच सेवा का काम कर रहे हैं और क्योंकि सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं। प्रयागराज माघ मेला क्षेत्र में लगातार एक महीने से युवा चेतना के द्वारा संत महात्माओं, देश भर से आए सनातन धर्मावलंबियों और गरीब वर्ग के लोगों के बीच सेवा कार्य का संचालन किया जा रहा है। च्यवनप्राश, कंबल, ब्रश और उनसे जुड़ी हुई आवश्यकतामंद वस्तुएं उन तक पहुंचाने का हम प्रयास कर रहे हैं। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।